लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था भाई? चलो ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, किस चीज के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया? हम लोगों ने शुरू किया था, हमने देखे माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन इंडिया में, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन, पूर्वांचल, हिमालय, वो सारा। उसके बाद में हम लोगों ने जो है नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ लिया, ठीक है ना, जिसमें हमने इंडस प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, गंगा प्लेन तीनों पढ़ लिया। अब हम लोग साउथ इंडिया में चलने की बात है, लेट्स गो टू साउथ इंडिया। कहाँ चलते हैं? साउथ इंडिया में चलते हैं, साउथ इंडिया में चलने की बात है। अब हम लोग साउथ इंडिया जाएंगे और देखते हैं साउथ इंडिया में क्या होता है, ठीक है ना, कैसे हम लोग उसको पढ़ते हैं, पूरे साउथ में चलेंगे क्या, पूरे इंडिया को पढ़ना है, फिजियोग्राफी पढ़नी है इंडिया की, तो जो जो चीज़ें इंडिया के अंदर हैं, जो जो फीचर्स हैं इंडिया के अंदर, जो जो चीज़ें इंडिया के अंदर हैं, नॉर्थ में हमने पढ़ लिया माउंटेन और प्लेन, हमने देखे जाके उसका मैप देखा, उसका एटलस देखा। अब हम लोग जाएंगे और बाकी इंडिया, जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, जो मतलब प्लेटू वाला पार्ट है इंडिया का, उस सब के बारे में, पेनिनसुलर इंडिया की तरफ जाएंगे और उसको देखेंगे, ठीक है। देखो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देख रहा है ये वाली स्लाइड, देखो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें फिर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन वेदर, सीजन, ये सब पढ़ेंगे, क्लाइमेट, सॉयल। तो अभी हम लोग फिजियोग्राफी में जा रहे हैं और फिजियोग्राफी में हम लोगों ने शुरू में क्या देखा, वो पूरा कि तीन प्रोटो कॉन्टिनेंट, अरावली, सिंहभूम, धारवाड़ वाला, उनमें रिफ्ट वैलीज का बनना, दामोदर रिफ्ट वैली, और क्या नाम है आपका, नर्मदा, सोन और द महानदी, गोदावरी, ये रिफ्ट वैलीज के बारे में पढ़ा हमने। कैसे देखा कि वेस्टर्न कोस्ट कैसे, क्यों वेस्टर्न कोस्ट कैसा है और वेस्टर्न घाट कैसे हैं, वो कैसे गोंडवाना से ब्रेक हुआ था, वो सारी कहानी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है, वेस्टर्न घाट कैसा है। फिर हमने नॉर्दर्न प्लेन वगैरह को के बारे में पढ़ा कि नॉर्दर्न प्लेन हमारा कैसे एक्सटेंशन, कैसे बना, क्या हुआ, सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। अब हम लोग जो है नॉर्दर्न माउंटेन एंड नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोगों ने देख लिया है, राइट। अब हम लोग कहाँ किधर जा रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेटू की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, फिर कोस्टल प्लेन की तरफ जाएंगे। तो यही चार फीचर्स इंडिया में दिखाई देते हैं। तो अभी हम लोग किधर जा रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेटू की तरफ जा रहे हैं। पेनिनसुलर प्लेटू में आप देखिए, हम लोगों ने ये सबसे ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फीचर है यहाँ पे, ये प्री कैम्ब्रियन ओल्ड रीजन है। 8 डिवीजन करते हैं हम इसकी, कितनी डिवीजन करते हैं, वी आर गोइंग टू मेक 8 डिवीजन फॉर दिस। कितने डिवीजन है भाई रिदा? 8 डिवीजन। कौन कौन सी 8 डिवीजन है? नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, साउथ सेंट्रल हाईलैंड, ईस्टर्न प्लेटू, नॉर्दर्न डेक्कन, सदर्न डेक्कन, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, मेघालय अपलैंड, ठीक है ना। कितने डिवीजन है ये पढ़ने की, उससे हम लोग इसको जो है डिवाइड करते हैं किसमें, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, साउथ सेंट्रल हाईलैंड, ईस्टर्न प्लेटू, नॉर्दर्न डेक्कन, सदर्न डेक्कन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और मेघालयन अपलैंड। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको एटलस अपने साथ रखना है और एटलस के बिना आपका काम नहीं होगा। हर इसको, ठीक है, हर जो भी मैं वो देखूंगा, रीजन को देखूंगा, उसको एटलस के साथ हम लोग देखेंगे तभी आपको फायदा है, नहीं तो अदरवाइज ऐसे ही सिर्फ पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, राइट। मार्क करना जरूरी है, साउथ में चलना है, साउथ के बहुत सारे कौन जगह मार्क करनी है, तो फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों भी चीजों को देखते चलिएगा साउथ में, ठीक है ना, ओके। पहले इंडिया का जो फिजिकल मैप है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पहले देखेंगे कि इंडिया में जो रीजन है साउथ सेंटर, ये रीजन इनको मार्क करेंगे पहले हम। कौन सा रीजन मैं बोल रहा हूँ, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, देखिए पहला जो है ना दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे, देखो ये पहला नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड दिख रहा है, एरो जहाँ आ रहा है, देखो एरो आ रहा है, ठीक है, साउथ सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, ओके, ईस्टर्न प्लेटू, नॉर्दर्न डेक्कन, सदर्न डेक्कन, ठीक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है, उसके बाद में ईस्ट मेघालयन प्लेटू, ठीक है, ओके, दिख रहा है, ये सारे रीजन हम देखेंगे, ओके, मेघालयन अपलैंड जो है दिख रहा है, चलिए चलें। सबसे पहले नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड में देखिए, आप नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड में आपको चार मेन फीचर्स दिखते हैं। एक आपको दिखता है अरावली, क्या दिखती है, पहला जो दिख रहा है वो है आपका नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड में अरावलीज। अरावलीज देखिए, आपको मैंने बताया था दिल्ली में पालनपुर से दिल्ली में, ठीक है, उससे लेकर और पालनपुर गुजरात तक
जाती है, ठीक है ना, समझ रहे हो? ओके, देख लीजिए आप एक बार जाके अरावली रेंज देखिए, ठीक है। अरावली रेंज जो है कहां तक जा रही है, गुजरात तक जा रही है, कहां से शुरू हो रही है, दिल्ली से, ठीक है ना। तो ये है आपकी फर्स्ट अरावली। दूसरा दूसरा जो आपको दिख रहा है ये महाभारत, महाभारत अपलैंड है। दूसरा जो है वो क्या दिख रहा है, महाभारत अपलैंड है। तीसरा जो आपको दिख रहा है वो है मध्य भारत पठार। क्या दिख रहा है, मध्य भारत पठार। और फोर्थ जो आपको दिख रहा है वो है बुंदेलखंड। बताया आपको 8 डिवीजन जो साउथ की है, उनमें से 8 में से सबसे पहला जो डिवीजन है नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, उसमें अरावलीज देखिए आप लोग, अरावली देखिए आपने, अरावलीज, ठीक है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक, पालनपुर तक, अरावली पूरा ये जा रहा है, अरावली की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखो महाभारत अपलैंड, महाभारत अपलैंड आप लोगों को मिला, बोलो, महाभारत अपलैंड आप में से किसी को मिला, महाभारत अपलैंड, चलो कोई बात नहीं, महाभारत नहीं मिला, मध्य भारत मिला, मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड तो मिल ही गया होगा, बुंदेलखंड मिल गया, बुंदेलखंड देख लो, फोर्थ जो है बुंदेलखंड है, देख रहे हो, ओके। अब एक काम करो, तो ये जो आपका, तो ये जो आपका देखिए अरावलीज तो दिखी रही है पहली, ठीक है। दूसरे में आपको महाभारत, महाभारत अपलैंड जो है ये पूरा ईस्टर्न राजस्थान से लेकर एमपी का कुछ पार्ट, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, मिलेगा आपको। तो मेवाड़ वगैरह वाला वो पूरा एरिया देख लीजिए, और गुजरात तक ये फैला हुआ है, कौन सा, महाभारत अपलैंड, ओके। उसके बाद मध्य भारत पठार ये आप देख लीजिए, मार्क किया आपने मध्य भारत पठार, मिला पठार तो मिल ही गया होगा, उसको मार्क कर लीजिए मध्य भारत पठार, देख लिया है, मध्य भारत पठार, देखिए देखो ये मेवाड़ प्लेटू वगैरह सब उसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद के जो पार्ट हैं, उसके बाद फिर आप इधर आइए, आपको दिखेगा क्या नाम है, महाभारत, ये महाभारत के बाद मध्य भारत पठार, मध्य भारत पठार दिखा, कहाँ पे है मध्य भारत पठार बताइए, दिख गया। उसके बाद में फिर आइए आप देखिए बुंदेलखंड, बुंदेलखंड दिख गया, बुंदेलखंड वाला एरिया देखिए, देखिए आप, तो ये आपका इतना जो पार्ट है ये यहां तक आप देखेंगे, यानी कि विंध्या से ऊपर वाला वाला पार्ट है ये, ठीक है ना। इसको नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड। उसमें सबसे पहले देखते हैं अरावली रेंज को, किसको देखते हैं, अरावली, जो अरावलीज है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फ्ड रॉक दोनों तरह की मिलती है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स भी मिलेंगी, यानी कि, और मेटामॉर्फ, मेटामॉर्फ मतलब कि जो मार्बल है, क्वार्ट्जाइट है, ये सब आप देखिए राजस्थान में मार्बल बहुत ज्यादा निकलता है, निकलता है ना, तो ये अरावलीज हैं, ठीक है ना। और ये कहां से, मैंने बताया था कि पालनपुर से लेकर दिल्ली रिज तक है, पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली की जो रिज है, आपने देखा होगा दिल्ली रिज के बारे में सुना होगा, कि दिल्ली की पहाड़ियां, सुना है ना, वो अरावलीज का ही पार्ट है, ठीक है ना, ओके। अरे मार दिया पापड़ वाले को बेटा, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में देखिये सोर्स ऑफ साबरमती, लूनी और बनास रिवर, देखिए यहाँ पे कौन कौन सी रिवर निकल रही है, मेरे साथ याद करते चलिए आप लोग, कौन कौन सी रिवर है, साबरमती, लूनी, बनास, बनास ट्रिब्यूटरी है चंबल की, किसकी, और चंबल खुद ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की, ठीक है, ओके। तो ये लूनी, ठीक है, एंड बनास, ये लूनी कहाँ जाएगी, आपको पता है रन ऑफ कच्छ में जाके गिरेगी लूनी, ठीक है ना। तो ये साबरमती रिवर यहां से निकल रही है, लूनी से भी, अरावली से ही निकल रही है, और बनास भी निकल रही है, बनास ट्रिब्यूटरी है चंबल की, फाइन, ये अरावली का वो है, अरावली देख लीजिएगा, देख लिया, मध्य भारत पठार मैंने, वो महाभारत अपलैंड भी मैंने दिखा दिया, मेवाड़ वेवाड़ वाला वो पूरा रीजन देख लीजिए, देख लिया। उसके बाद फिर आप लोगों को मैंने बोला क्या देखने के लिए, मध्य भारत पठार देख लिया, आप बुंदेलखंड, बुंदेलखंड देखिए ये वाला एरिया है, ये देखिए यूपी में, ठीक है, और एमपी में, ओके, दोनों में फैला हुआ एरिया है ये, ठीक है, बुंदेलखंड वाला एरिया, ओके। आपकी जो झांसी वाला एरिया है ना, वहां ग्वालियर, झांसी, हमीरपुर, ये वाला एरिया आपको पूरा दिखेगा। तो यहाँ पे ग्रेनाइट और नीस वगैरह जो रॉक यहाँ पे पाते हैं, पाया जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, ड्रॉट प्रोन एरिया होता है, एग्रीकल्चर
जो है ये बहुत ही कम है, एग्रो प्रोडक्टिविटी कम है। झांसी, ग्वालियर और हमीरपुर वाला एरिया ये है। आप एक बार यूपी का देखिए, यूपी का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है कौन सा है, सबसे लास्ट में यूपी में कहाँ दिख रहा है, कौन सी जगह जो मध्य प्रदेश के अंदर घुसा हुआ है, क्या कहते हैं उसको बताओ सबसे। अच्छा ये मुझे बताओ ललितपुर कहाँ है, जरा ललितपुर बताओ है, ये यूपीएससी का यूपी पीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि ललितपुर जो है वो सबसे मतलब सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो यूपी का कौन सा है, ठीक है, तो याद रखिएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप निकालेंगे आप और आप देखेंगे यूपी एकदम घुस, ललितपुर देख रहे हो, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है यूपी का, यानी कि इधर से बाद में फिर एमपी शुरू हो जाता है और ये एमपी के अंदर एक तरह से घुसा हुआ है, ठीक है ना, ओके। यानी एमपी का बहुत सारा एरिया इधर आपका यूपी के साइड में है, लेकिन ये वाला जो है एकदम सदर्न, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ललितपुर वाला जाता है। तो झांसी से ललितपुर वाला ये जो पूरा एरिया है इधर देख रहे हो आप, उसके अलावा फिर आप इधर ग्वालियर वाली की साइड में चले जाओ तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये कौन सा आता है, बुंदेलखंड वाला एरिया आता है, ठीक है ना। ललितपुर को याद रखिएगा, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है प्री में, ठीक है। हमीरपुर ग्वालियर भी आप लोग देख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, ये बुंदेलखंड वाला एरिया है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी लो है इसकी, तो नॉर्थ सेंट्रल समझ में आ गया, क्यों नहीं होगा पॉलिटिकल में देखो जाके, यूपी वाले में, यूपी में बच्चा, यूपी में जब छोटा सा, अरे मेरा बच्चा, यूपी का जो स्पेशल मैप है, क्यों इंडिया वाले मैप में पीछे पड़ी हुई हो, इंडिया कैसे जान, इंडिया में इतना छोटी छोटी चीजें कैसे दिखाएगा वो इतने छोटे से मैप में, जाओ यूपी में देखो। ठीक गया, झांसी से नीचे देखो ललितपुर दिखेगा, ठीक है। देखो ऐसे जहन में होना चाहिए ना कि अगर आदमी मतलब बस कहीं पे भी बैठे रहो आपको पता होना चाहिए, ये नहीं है कि मतलब कि जब मैप देखेंगे तो पता होगा, ठीक है ना। मैप इसीलिए बार बार दिखवा रहा हूँ, दिख रहा है वो वाला पार्ट जो घुसा हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, यानी मैप आपने ठीक से देखा होगा तो कर लोगे, नहीं तो फिर जाओ, ठीक है ना। साउथ सेंट्रल हाईलैंड देखें, साउथ सेंट्रल हाईलैंड में सबसे पहले विंध्या रेंज, कौन सी रेंज है, विंध्या, उसके बाद में विंध्या रेंज, तो विंध्या रेंज जो है वो कॉन्टिन्यूस रेंज है, कैसी है, अब ये गुजरात से स्टार्ट होगा बिहार तक जाएगा, कहां तक जाएगा, बिहार तक, ठीक है, विंध्या, ओके, कॉन्टिन्यूस रेंज है, बहुत ऊंचा नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। मालवा प्लेटू है, फिर मालवा प्लेटू दिख रहा है दूसरा, मालवा प्लेटू ये अरावली और विंध्या के बीच में, ओके। और उसके बाद में नर्मदा वैली, नर्मदा वैली सतपुरा और विंध्या के बीच में, लेकिन सतपुरा जो है वो कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है, क्या है, और साउथ इंडिया अगर एक तरह से देखा जाए तो यही विंध्या सतपुरा से ही डिवाइड होता है, वाटर बाउंड्री एक तरह से, वाटर शेड बना रहा है ये, ठीक है ना। गुजरात, ठीक है, विंध्या रेंज, विंध्या रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, ध्यान रखिएगा, विंध्या रेंज से गुजरात से लेकर बिहार तक जाएगी, ठीक है। रिफ्टिंग है इसमें, सदर्न स्लोप, सदर्न स्लोप स्टीपर है और नदर्न स्लोप जो है, सदर्न स्लोप जो नॉर्दर्न स्लोप है उससे सदर्न स्लोप ज्यादा स्टीपर है, यानी आप जेंटली चढ़ जाओगे किधर, नॉर्थ साइड से, लेकिन साउथ में जाके धड़ाम से गिरोगे, ठीक है, मतलब चढ़ो ऐसे है कि जब ऊपर पहुंच जाओ तो सोचो अब उतरूंगा कैसे, ठीक है, नॉर्थ से, नॉर्थ जनरल, ठीक है, स्टीपर ज्यादा साउथ में है, फाइन, क्लियर है। इसीलिए तो साउथ वाले ये वाले इन्वेजन करते रहते थे अक्सर, लेकिन साउथ वाले इन्वेजन नहीं कर पाते थे ज्यादा, देखा है ना, लेकिन हाँ वहां पे पहुंच जाओ तो फिर वो मारते भी बहुत थे, तुम्हें पता है ना, पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को जाने नहीं दिया था उधर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ यूपीसी के अंदर, यूपी हर्षवर्धन को जब इधर से जा रहे थे कि लाओ मैं चला जाऊं उधर, क्या नाम है, क्रॉस कर दू मालवा वालवा क्रॉस करके, उधर विंध्या क्रॉस करके चला जाऊं नर्मदा, तो उसने पुलकेशिन टू ने कहा बेटा आ नहीं सकते, उसने हरा दिया इधर ही, भेजा नहीं, जाने नहीं दिया उधर, ठीक है ना, साउथ में ये है। विंध्या रेंज दिख रहा है, अब विंध्या रेंज देखिए आप, विंध्या रेंज में और क्या देख रहे हैं, सोर्स ऑफ मेनी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, वो रिवर जो नॉर्थ में फ्लो रही है सारी यमुना की ट्रिब्यूटरी यहीं से बह रही है ज्यादातर, ठीक है ना, चंबल यहीं से बह रही है, चंबल में उधर से कौन सी आ रही है, अरावली से बानस आ रही है ना, चंबल, ठीक है, सिंध, बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, रट्टा मारो, चंबल सिंध बेतवा केन, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना की, जमुना नहीं, यमुना,
यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ये वाटर डिवाइड है बिटवीन सेंट्रल इंडिया, विंध्या जो है वाटर डिवाइड है बिटवीन सेंट्रल इंडिया। और आप देखेंगे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, कैन है, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। और चंबल की ट्रिब्यूटरी बानस है, वो उधर से आ रही है अरावली से। दिखा ना अभी थोड़ी देर पहले, देख लिया तो मार्क भी कर लो यार। फिर ये मालवा प्लेटू है। देखो मालवा जो है ये अरावली और विंध्या के, मैंने बताया ना अरावली और विंध्या के बीच में लोकेट करता है, ठीक है। और ये जो है आप देखोगे इसको, ये सेमी एरिड रीजन है। कैसा है? सेमी एरिड रीजन है, मतलब यहाँ पे बारिश वारिश कम होती है। तो फॉल्टी एग्रीकल्चर है यहाँ पे मालवा प्लेटू में, और एग्रो प्रैक्टिस होती है। हाई सॉइल इरोजन हुआ है, गली इरोजन हुआ है, बहुत ज्यादा इरोजन हुआ है। चंबल यहाँ पे क्या रहता है, चंबल बैडलैंड्स है ये। और हिस्टोरिकली इसको कहा जाता है खानादेश, क्या बोलते हैं, खानदेश, ठीक है। हिस्टोरिकली इसको खानदेश के नाम से जानते हैं, जो हिस्ट्री में कई बार खानदेश रीजन से बताते हैं ये आए हैं, तो वो खानदेश यही एरिया है, ठीक है, क्लियर है। तो आपने कौन सा देख लिया, नॉर्थ, आपने देखा नॉर्थ सेंट्रल, सेंट्रल ना आइलैंड्स, आइलैंड्स देख लिए। अब आप आते हैं ईस्टर्न प्लेटू की तरफ, किधर आ रहे हैं अब ईस्टर्न प्लेटूज में कौन कौन से हैं। तो देखो पहला है बाघेलखंड, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बाघेलखंड का है। बाघेलखंड जाके लोकेट करो पॉलिटिकली एंड फिजिकल मैप में, दोनों में बाघेलखंड लोकेट करो। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि बाघेलखंड कौन सा वाला एरिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 2017 मोस्ट प्रोबेबली 17, ठीक है, बाघेलखंड देख लिया। और उसके अलावा गर्जात हिल्स है, गर्जात हिल्स देख लिया, सेकंड वाला गर्जात हिल देख रहे हो, गर्जात हिल मार्क करो जाके, गर्जात हिल मार्क किया भाई, गर्जात हिल देखो ना इधर, गर्जात हिल्स दिख लिया। उससे ऊपर देखो थर्ड नंबर वाला जो है ना, यानी राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल्स और क्या नाम है गारो के बीच में जो गैप है वो मालदा गैप, मैंने बताया था, तो राजमहल हिल्स को मार्क कर लो, कर लिया। फिर महानदी बेसिन है, महानदी जहां घूम रही है वो महानदी बेसिन है, वो उसको मार्क कर लो, महानदी बेसिन को, महानदी रिवर देख लो, बस उसी के पास का जो है बेसिन है, देख लिया। उसके बाद दंड कर्निया देख लो, दंड कर्निया ढूंढ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दंड कर्निया दिख गया, नीचे जाओ, नीचे जाके देखो, दंड कर्निया दिखेगा, दिख गया। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, छोटा नागपुर प्लेटू, जहां पे सारे मिनरल्स वगैरह सब यहाँ पे मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड वाला, ऊपर वाला पार्ट हजारीबाग, नीचे वाला झारखंड और रांची प्लेटू, ठीक है ना। तो दो प्लेटूज हैं, पहले समझ में आया ये पहले ये वाला देखो, कौन कौन सा, बाघेलखंड मार्क कर लिया, गारजात हिल मार्क कर लिया, राजमहल हिल्स, महानदी बेसिन, दंड कर्निया मिल गया, छोटा नागपुर प्लेटू, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाइए और आप देखिए छोटा नागपुर प्लेटू के बाद आपको देखो यहां पे ये देखो सिंहभूम वाला एरिया याद करो आप, क्रेटोन ऑफ सिंहभूम है ये। क्रेटोन क्या होता है जरा बताओ मुझे, टेल मी व्हाट इज क्रेटोन, ठीक है। तो ये क्या है, जो कोर पार्ट है, यानी जो जो मतलब न्यूक्लियस पार्ट है किसी अर्थ क्रस्ट का, वो क्या है, क्रेटोन है। तो क्रेटोन सिंहभूम वाला याद करो, पोर्टो आइलैंड जब हमने देखा था तो सिंहभूम था, तो उसका ये क्या है, क्रेटोन है, क्या है, क्रेटोन कोर है ये। तो यहाँ पे हर तरह के मेटलिक रिच है, ये मेटलिक मिनरल रिच एरिया है, ठीक है ना। रिफ्टिंग अलोंग द दामोदर वैली, दो पार्ट में रिफ्टिंग हुई है इसकी, दामोदर वैली के अलोंग में, ठीक है। इसकी रिफ्टिंग याद करो, सिंहभूम रिफ्टिंग हुई थी, दामोदर वैली रिफ्टिंग देख रहे थे, ठीक है ना। तो वहां पे आपको दो रिफ्टिंग दिखेगी, दो पार्ट में, एक नॉर्थ वाला जो है उसको हजारीबाग प्लेटू कहते हैं, साउथ वाले को रांची प्लेटू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दामोदर और महानदी रिवर्स आप यहाँ पे दिखेंगी रिफ्टिंग में की वजह से। ये जो रिफ्टिंग हुई है उसकी वजह से मैंने बताया था कि बहुत बड़ा फॉरेस्ट पूरे सबडक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कोल मिलता है। और यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूनिक कॉम्बिनेशन है, आयरन और कोल दोनों मिलता है। नहीं तो अक्सर जगहों पे जहाँ आयरन मिलता है वहाँ कोल नहीं मिलता, और जहाँ कोल मिलता है वहाँ आयरन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे जो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड इसीलिए बोलते हैं, जो झारखंड है वो पूरा क्या नाम है, मिनरल रिच एरिया है, हर तरह के मिनरल वहां मिलते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ही मिनरल रिच एरिया जो कटा वहां से, बिहार से जो कटा जब झारखंड, तो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एरिया था बिहार का, मिनरल रिच एरिया था, वो चला गया, ठीक है ना।
यूनिक कोल और आयरन कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ये यही जगह पे आपको दिखता है, गेटिंग। उसके बाद में फिर आप देखते हो इसके नॉर्थ में, देखो छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ में आपको राजमहल हिल्स दिखेंगे, नॉर्दर्न एज पे क्या दिखेंगे, राजमहल हिल्स दिखेंगे, और वहां पे छोटा नागपुर प्लेटू के और नीचे की साइड में सदर्न साइड में आपको गारजात हिल्स दिखेंगे। कौन दिखेंगे? गारजात हिल्स, ये छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्दर्न। तो गारजात हिल्स को भी मार्क कर लो जाके, और राजमहल हिल्स को भी मार्क कर लो, कर लिया ठीक है। और छोटा नागपुर प्लेटू रेडियल ड्रेनेज दिखाता है, वो दिखाऊंगा आपको, रेडियल ड्रेनेज दिखाता है। रेडियल ड्रेनेज का मतलब क्या, पे जो है कई सारी स्ट्रीम्स निकलती हैं, ठीक है, कई सारी स्ट्रीम है वहां से, ठीक है। रेडियल ड्रेनेज का मतलब यह है कि निकलेंगी, ठीक है ना, यानी रेडियल मतलब होता है ना रेडियल, जैसे चारों तरफ ऐसे इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, ठीक है ना। तो एक ही जगह से ऐसे मान लो ये पॉइंट है सेंटर, और यहाँ से इधर स्ट्रीम जा रही है, उधर स्ट्रीम जा रही है, उधर से, तो ये रेडियल ड्रेनेज होता है। तो रेडियल ड्रेनेज दिखता है, देखो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पे इसको रट्टा मार लो, याद कर लो क्या क्या है यहाँ पे। देखो नॉर्थ कोयल जा रही है, जो की ट्रिब्यूटरी है सोन की, किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन गंगा की, ठीक है। ओके, अभी सोन के बारे में पढ़ेंगे। सोन निकलती है एक्चुअल में अमरकंटक प्लेटू से, ठीक है ना, कहाँ से निकलती है वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। सोन और नर्मदा दोनों का सोर्स एक ही है, अमरकंटक प्लेटू, ठीक है ना। नर्मदा जो जाती है किसमें, किधर जाती है, वेस्ट बोला जाता है या ईस्ट बोला जाता है, तो ये वेस्ट में जाती है, ठीक है ना। जो सोन है वो नॉर्थ में जाती है, ठीक है ना, डायरेक्शन बोला जाता है, इधर उधर क्या होता है, ठीक है ना। तो नॉर्थ कोयल नॉर्थ में जाएगी, और ट्रिब्यूटरी है किसकी, सोन की। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। ओके, दामोदर, ठीक है, दामोदर और ब्राकार रिवर भी है यहाँ पे, कौन सी रिवर है, और ब्राकार रिवर। अब ये ब्राकार और दामोदर मार्क कर लो, जाओके ब्राकार रिवर आपको दिखेगी कहाँ, देखो छोटा नागपुर प्लेटू से देखो निकलती हुई दिख रही है, दिखी है। और उसके अलावा आपको साउथ कोयल मिलेगी, जो कि साउथ कोयल जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्राह्मणी की, ब्राह्मणी बेतरानी ये सब रिवर उधर दिखेंगे आपको, दिख रही है। ओके, नॉर्थ कोयल किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन की, साउथ कोयल है ब्राह्मणी की ट्रिब्यूटरी। ओके, ये दोनों यहीं से निकल रही है, फाइन। और उसके अलावा दामोदर ब्राकार रिवर भी निकल रही है, सुवर्णरेखा रिवर, सुवर्णरेखा रिवर भी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, छोटी रिवर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो सुवर्णरेखा रिवर भी यहां से निकल रही है, गेटिंग, देख लिया। तो ये कई सारी रिवर का सोर्स हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, रेडियल ड्रेनेज, मतलब वहीं से रेडियस में चारों तरफ से रिवर चल रही है, निकल रही है, ठीक है। आई बात समझ में, मार्क करा, कर लिया मार्क, कौन कौन से मार्क कर लिया, दामोदर, आकार, सुवर्णरेखा, ठीक है, और उसके अलावा साउथ कोयल, साउथ कोयल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्राह्मणी, ठीक है ना, और नॉर्थ कोयल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन, और सोन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, कौन सा, नॉर्थ कोयल, यार नॉर्थ कोयल तो ऊपर ही है, नहीं मिला नॉर्थ कोयल, सोन में जाके मिल, देखो मिलती है, ठीक है, सोन में जाके जो रिवर मिल रही है इधर से, ठीक है, तो नॉर्थ साइड में उसको देख लो, ठीक है। उसके बाद में फिर आ जाइए, नहीं मिला, लिखी नहीं है तो मार्क कर लो, ठीक है, तो नॉर्थ कोयल आपने मार्क कर लिया होगा, ठीक है, नॉर्थ कोयल जाके मिलेगी, देख लेना, ठीक है, दामोदर ब्राकार ये देख लो, ठीक है, उसके बाद में आपका सुवर्णरेखा रिवर, ठीक है, सुवर्णरेखा रिवर, अच्छा सुवर्णरेखा मिली है, ब्राह्मणी मिली, साउथ कोयल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नीचे मिलेगी, बेतरानी ब्राह्मणी, छोटी छोटी रिवर्स है, देखो दिख गई, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहां मेघालय प्लेटू पे आ जाइए, मेघालय प्लेटू आ गए हैं, मेघालय प्लेटू में आ जाइए भाई, आ गए, तीन पार्ट हैं इस प्लेटू के, एक है गारो, दूसरी है खासी, तीसरी है जयंतिया। अरे वो बात नहीं करो, तीन पार्ट ऑफ प्लेटू हैं गारो, खासी, जयंतिया। गारो में नौकरेक नेशनल पार्क है, आपने देखा सुना, नौकरेक नहीं है तो जान लीजिए जाके, नौकरेक नेशनल पार्क बहुत फेमस है, गारो के अंदर है वो,
ठीक है, नॉकरेक देख लिया, नॉकरेक गारो में है, खासी, उसके बाद शिलोंग जो है ना, शिलोंग कहाँ पे है? अरे मेघालय में कहाँ पे, गारो में है, खासी में है, जैंतिया में है? खासी में है शिलोंग। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है। और शिलोंग कहाँ पे? गारो में, खासी में। नॉकरेक कहाँ पे है? गारो में। ठीक है, ओके ओके। और यहां पे रेंज इसको मार्क कर लो, मिकिर, रेगमा, बरेल रेंज, ये तीनों रेंज मार्क करो। मिकिर ढूंढ के मार्क करो, मिकिर ऊपर, मिकिर है, फिर रेगमा है, फिर नीचे बरेल रेंज है, ठीक है ना? ओके, मिकिर, रेगमा, बरेल रेंज दिखी साउथ में जा, मतलब इधर ईस्ट में जाके दिखी, बीच में रेगमा है, मिकिर ऊपर, फिर रेगमा, फिर उसके बाद बरेल, दिख गई, दिखी, मिकिर, रेगमा, बरेल, ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ, मिकिर, फिर रेगमा, फिर बरेल, और बरेल रे कप, एक रिवर है कपीली, कपीली सेपरेट करती है मिकिर और रेगमा, मिकिर रेगमा को किससे? बरेल से। कपीली रिवर किसको सेपरेट कर रही है? मिकिर और रेगमा हिल्स को किससे सेपरेट कर रही है? बरेल रेंज से, ठीक है, दिख गई, करा मार्क। भाई देख लो, एटलस लेकर बैठा करो पढ़ने के लिए, और एक एक चीज मार्क किया करो, ठीक है, तभी जान पाओगी इंडिया को अच्छे से। एक एक पॉइंट मार्क करवा रहा हूं, देख लो अब इससे अच्छे से क्या कराऊंगा, दिख गई ना? ओके, तो मिकिर, रेगमा, बरेल रेंज दिख गई, और इधर के वो रिवीजन अगर करोगे तो पटकाई बूम ऊपर है, नीचे नागा हिल्स, ठीक है, फिर उसके बाद मिजो हिल्स, ठीक है, मणिपुरी हिल्स, फिर मिजो हिल्स, राइट, और उसके यहाँ पे जो बरेल रेंज है ये यहाँ पे, और बरेल रेंज को डिवाइड कर रही है रेगमा और मिकिर से कौन? कपीली रिवर। नॉर्थ टू साउथ देखोगे तो मिकिर हिल्स है, फिर रेगमा हिल्स है, और फिर बरेल रेंज, मतलब बरेल, मिकिर रेंज, रेगमा रेंज और बरेल रेंज, ठीक है। कपीली रिवर से जो है वो किसको? मिकिर और रेगमा को डिवाइड करिए, किससे? बरेल से, ठीक है, और मेघालयन, और मेघालयन प्लेटू से भी, ठीक, क्लियर है, ओके। उसके अलावा मैंने बताया था कि उसी का एक्सटेंशन मेघालयन प्लेटू का है, का राजमहल हिल्स, क्या है, ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक जो है, एक्चुअल में एक तरह से देखा जाए तो ये बीच में गैप आ जाता है, सेपरेटेड, छोटा नागपुर प्लेटू को अलग कर रहा है मेघालय प्लेटू से, और यहाँ पे आपको दिखेगा गारो और उसके बीच में राजमहल हिल्स के बीच में जो गैप है उसको मैंने बताया था मालदा गैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों यहाँ पे मालदा गैप में ही फ्लो होती है, कहाँ से? गंगा इधर से आ रही है और फिर ब्रह्मपुत्रा, दोनों मालदा गैप में फ्लो होती है, मैंने आपको बताया था, और ब्रह्मपुत्रा को बिहार के अंदर, उसमें बंगाल के अंदर जमुना बोलते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो मेघालयन प्लेटू है, मेघालय के अंदर जो हिल्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है, ओके, तो इसलिए दे आर नॉट इफेक्टिंग इन ब्लॉकिंग द रेन, रेन बेयरिंग जो विंड्स होती हैं इनको जो है ये रोक नहीं पाती हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश तक जाती हैं इसीलिए, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे बारिश बहुत होती है, आपको पता ही है, वो जो बारिश होती है वो फनलिंग इफेक्ट की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है? फनल इफेक्ट। ये फनल इफेक्ट क्या होता है? फनल तो आपको पता ही है क्या होता है फनल, यानी एक जैसे कोई वो है, जैसे ये बड़ा सा जगह है, इससे ये छोटी जगह चले जाए, ठीक है ना, तो हवाएं अगर इधर से आ रही हैं तो यहाँ पे ये जब इनको जगह कम मिलेगी तो ये कंडेंस नहीं हो जाएंगी, तो जब यहां पहुंचेंगी तो ये खूब बारिश नहीं कर देंगी, तो यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा है एक्चुअल में इनके बीच में जब चलती हैं तो वहां पे ये कंडेंस हो जाता है फनलिंग इफेक्ट की वजह से, फनल की तरह से ये एकदम अच्छे ऐसे से बहुत सारी हवाएं एक साथ ऐसे आ जाती है, तो कंडेंस होकर मॉइस्चर वहां पे कम जगह में ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है, और उसकी वजह से फिर बारिश होती है, और हैवी रेनफॉल मेघालय के अंदर चेरापूंजी और मौसिनराम में देखने को मिलता है, राइट, ओके, फाइन।
तो ये फनल इफेक्ट की वजह से होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल ही है लेकिन दूसरी तरह का, जैसा वैसा होता है वो नहीं, यहाँ फनल इफेक्ट की वजह से होता है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया, क्या देखा हमने, देखा नॉर्थ सेंट्रल साउथ सेंट्रल, फिर हमने देखा छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, फिर हमने देखा मेघालयन प्लेटू, ठीक है फाइन। अभी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं डेक्कन ट्रैप की तरफ, सतपुरा की तरफ, ठीक है, लेकिन आज मैं नहीं जाऊंगा उधर। हमें, मेरा आपको होमवर्क यह है अभी, यू गो एंड एक बार जो है रीड अबाउट दीज थिंग्स जो मैंने बताया, मैप को अच्छे से देखिए, दिल्ली से लेकर और मेघालय तक जाइए, फिजिकल पॉलिटिकल जो जो फीचर्स मेंशन है वो तो देखिए, मेघालय नहीं इनफैक्ट आसाम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम तक जाइए, ठीक है, बरेल रेंज, मिकिर, ग्रेगमा, ये सब अच्छे से देखिए, रिवर्स कौन सी हैं, ड्रेनेज कौन सा है वो सब देखें, मेघालय को थोड़ा सा पढ़ के आइए मेघालयन प्लेटू के बारे में। और एक आपका होमवर्क है आज के लिए कि मेघालय जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, ठीक है, जैसे कि वहां पे कई सारी यूनिक फीचर मिलती हैं और यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है ना, वो एक तरह से ब्रिज बनाते हैं मतलब नेचुरल टाइप का, और कई सारी चीजें हैं उसमें इंपॉर्टेंट है, नोक्रेक नेशनल पार्क है वहां पे जो फेमस है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख के आएंगे, ठीक है ना। तो मेघालय है, बरेल रेंज वगैरह देखिएगा, कपिली रिवर को देखिएगा, ठीक है, कैसे है तो ये सारा देखिएगा, और इसके अलावा मोसिन राम को लोकेट करिएगा और चेरापुंजी को लोकेट करिएगा वहां पे, ठीक है, थोड़ा सा स्टडी करके आएंगे तभी मजा आएगा, कहें तो इतना कर लीजिए, फिर हम लोग डेक्कन की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लो, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है पढ़ने की, खत्म करने की, एक चीज ये है कि थोड़ा सा मैप को देखो, स्टडी करो, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ो, तब मजा आएगा, ठीक है ना। एक तो ये हो गया मेघालय प्लेटू मैंने काम दिया, दूसरा काम क्या है, हाँ हाँ, इसको इसको थोड़ा थोड़ा सारे फीचर्स देख लेने हैं, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू को पढ़ना है अच्छे से, ओके, छोटा नागपुर प्लेटू में काफी चीजें हैं आपको मिलेंगी, आपको हजारीबाग है, आपको रांची प्लेटू है, ठीक है ना, वहां पे कई सारी रिवर्स हैं, मिनरल्स हैं, झरिया है, झरिया जानती हो ना, कोल्ड फील्ड बहुत फेमस है वहां का, झारखंड का है ना, है? अब धोनी का निवास स्थान भी है रांची, है ना, रांची में तो रहता है धोनी, है ना, तो ऐसे मतलब जाइए और थोड़ा सा देख के आइए झारखंड को, झारखंड और मेघालय दो जगहों को देखिए थोड़ा सा, जब मैं ऐसे काम दिया करूँ तो आप उसको पढ़ के आइएगा, यूपी बिहार तो खूब देखा, ठीक है, थोड़ा झारखंड और मेघालय भी देखिए, ठीक है, कुछ मेरे मुझे कल आप बताइए यूनिक बातें मेघालय के बारे में और झारखंड के बारे में, ठीक है, करेंगे, कौन क्या देखेंगे उसमें, नहीं ऐसे नहीं देखना है, स्पेसिफिकली देखना है, जैसे कि कौन से यूनिक फीचर देखने, जैसे कौन से नेशनल पार्क हैं, किस लिए ज्यादा फेमस है, ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है, क्लियर, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप नोट्स में लिखिए इसके बारे में, दो जगह दिया है, कौन कौन सा, और ऐसे मैं आपको देता रहूंगा कुछ ना कुछ, ठीक है, तो आज के इतना काफी है, कल बाकी साउथ में चलेंगे, ठीक है ना, अभी सतपुरा की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसमें फिर काफी अमरकंटक प्लेटू ये सब है, तो आगे बात करेंगे, मतलब उधर उधर की जाएंगे तो अमरकंटक प्लेटू को पढ़ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।